गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के वीडियो हम लोग देखेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिक अनुक्रमण। पारिस्थितिक अनुक्रमण जो होता है वो हजारों लाखों साल के बाद में दिखाई देता है। ये प्रक्रिया बड़ी लंबी होती है, प्रोसेस जो होता है वो थोड़े समय में नहीं बनकर आता है, परंतु बहुत लंबा होता है। आइए हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। इकोलॉजिकल इज द ग्रेजुअल प्रोसेस बाई विच इकोसिस्टम्स चेंज एंड डेवलप ओवर टाइम। पारिस्थितिक अनुक्रमण जो है वो धीरे धीरे होने वाली वह क्रिया है जो एक समय के बाद में दिखाई देती है। द बैलेंस कम्युनिटी इज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जो स्थिर समुदाय होता है उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, इसके बाद में कोई चेंज नहीं होता है। फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड कम्युनिटी इज कॉल्ड पायोनियर कम्युनिटी। जो पहली कम्युनिटी होती है जो इस्टेब्लिश्ड हो जाती है उसको कहते हैं पायोनियर कम्युनिटी। बिफोर दिस ऑल चेंजिंग कम्युनिटीज आर कॉल्ड सीरियल कम्युनिटी। इससे पहले जो कम्युनिटी बदलती रहती है उनको एक साथ सीरियल कम्युनिटी कहते हैं। सक्सेशन वर्ड वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय होल्ट इन 1885। अनुक्रमण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल होल्ट ने 1885 में किया था। अब हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ सक्सेशन। तो नंबर वन, प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन वो होता है जो किसी खाली स्थान में या किसी खाली क्षेत्र में जहाँ पर कोई पहले कम्युनिटी ना हो वहाँ पर डेवलप होता है हजारों साल के बाद में, इसको कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन जो है ये उस स्थान पर होता है जहाँ पर पहले कोई कम्युनिटी रह चुकी है लेकिन नेचुरल क्लाइमेटीज के कारण वहाँ से सब कुछ खत्म हो चुका है और बाद में कोई कम्युनिटी डेवलप होती है तब उसको कहते हैं सेकेंडरी कम्युनिटी। जैसे कि जंगल में आग लग जाना, सारे के सारे जंगल तबाह हो जाना, या बड़ा भूकंप आ जाना, तब जो है दूसरी कम्युनिटी आती है उसको सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। हाइड्रोसियर सक्सेशन, ये जल से प्रारंभ होता है और अंत में जल जो होता है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, फिर वहाँ पर बड़े बड़े विशाल पौधे डेवलप हो जाते हैं। सेरोसियर सक्सेशन, सेरोसियर सक्सेशन जो होता है ये मरुस्थली भूमि में होता है जहाँ पर कोई पेड़ पौधे पहले कभी ना हुए हो उस जगह पर जो सक्सेशन डेवलप होता है उसको कहते हैं सेरोसियर सक्सेशन। अब हम बात करते हैं कार्बन साइकिल की। कार्बन साइकिल जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफियर में प्रेजेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल के रूप में लेते हैं, और ये ग्रीन प्लांट जो होते हैं रेस्पिरेशन बर्निंग और फंजाई और एल्गी के द्वारा डिके होकर वापस कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफियर में चली जाती है। इसके साथ साथ ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो पेट्रोलियम नेचुरल गैस और कोल में फॉसिल्स के रूप में रहते हैं और बर्निंग होने के बाद में कंब्यूजन होने के कारण ये फिर से एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। इसके साथ साथ ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये ग्रीन प्लांट जो होते हैं एनिमल जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, ये ऑक्सीजन लेते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन बर्निंग और डीके के द्वारा जो होती है फिर से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इस प्रकार ये कार्बन साइकिल चलती रहती है। अब हम बात करते हैं फॉस्फोरस साइकिल की। फॉस्फोरस जो होता है ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो ऑटोट्रॉपिक हो या वो हेटरोट्रॉपिक हो। इनके सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म में फॉस्फोरस जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में होता है। ये फॉस्फोरस जो होता है डिकम्पोजिशन और सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा चट्टानों में, सी में और अर्थ में जाकर कलेक्ट हो जाता है, और इरोशन तथा फर्टिलाइजर के इस्तेमाल के कारण ये वापस जो होता है पानी के द्वारा डिसॉल्व हो जाता है, ओशन में चला जाता है, मिट्टी में चला जाता है, और यही डिसॉल्व फॉस्फोरस जो होता है ये फिर से प्लांट्स की रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और इस प्लांट्स को जब एनिमल्स खाते हैं और जब ये डिके हो जाते हैं तब इनकी बॉडी को बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं, और ये जब इनकी डेथ हो जाती है तब फिर से ये फॉस्फोरस जो है वो इस साइकिल में चलता रहता है। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज की। इकोसिस्टम सर्विसेज ह्यूमन काइंड बेनिफिट्स फॉर्म ए मल्टीट्यूड ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोसेस दैट आर सप्लाइड बाई नेचुरल इकोसिस्टम कलेक्टिवली। दीज बेनिफिट्स
आर नोन एज इकोसिस्टम सर्विसेज। ह्यूमन कल्याण लाभ जो है ये विभिन्न प्रकार के साधनों तथा क्रियाओं को जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र से प्राप्त होती हैं एक साथ सामूहिक रूप में इकोसिस्टम सर्विसेज कहलाती हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्योर एयर, और इसके साथ साथ डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट। इस प्रकार से इकोसिस्टम सर्विसेज जो होती हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है इकोसिस्टम में। सो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। दैट्स ऑल, थैंक यू।